चंद्रयान 3 ही नहीं, चंद्रयान 2 भी रच रहा है इतिहास। भेज डाला ऐसा सिग्नल जिसे पाने के लिए नासा खर्च कर चुका है अरबों खरबों डॉलर। चंद्रयान 2 के इस चमत्कार को देखकर हिल गई पूरी दुनिया। कर डाली ऐसी खोज जिसे खोजने वाला था चंद्रयान 3। इसरो के सामने झुकने को मजबूर हुआ नासा। दोस्तों, जिस चंद्रयान 2 को फेल समझा जाता था, आज भी वो जिंदा है। खुद इसरो ने बताया है, इसरो का कहना है कि आज भी चंद्रयान 2 का 95% हिस्सा काम कर रहा है, क्योंकि जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था तो उसका सिर्फ 5% हिस्सा ही खराब हुआ था। इस समय चंद्रयान 2 के कई सेंसर्स और डिवाइसेस पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ऑर्बिटर सहित कई इक्विपमेंट आज भी जिंदा है। चंद्रयान 2 चांद की सतह की वो जानकारी दे रहा है जो अभी तक किसी को भी नसीब नहीं हुई है। नासा आज से 50 साल पहले से ही स्पेस टेक्नोलॉजी में सहंसा बना बैठा है। चांद पर कई मानव मिशन भेज चुका है, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 2 के माध्यम से जो जानकारी हासिल की है, नासा अरबों खरबों डॉलर खर्च करके भी हासिल नहीं कर सका। इसलिए चंद्रयान 2 की कामयाबी को लेकर नासा ने इसरो की बड़ी तारीफ की है, डेटा शेयर करने की गुजारिश की है। डेटा पाने के लिए इसरो के सामने झुकने तक मजबूर हो गया है नासा। वही नासा अपना डेटा किसी से भी शेयर नहीं करता। इसरो तो कई बार चांद का डेटा नासा से मांग चुका है, लेकिन नासा ने ना देने से साफ साफ मना कर चुका है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या इसरो को डेटा शेयर करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसे ही चंद्रयान 3 धरती से 130,000 किलोमीटर दूर पहुंचा, तो वैसे ही चंद्रयान 2 ने इसरो को एक सिग्नल भेज डाला, जिसे देख इसरो के वैज्ञानिक हैरान रह गए। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने चांद का वो खुलासा किया है जो नासा के इतने बड़े खोज को गलत साबित कर देगा, इसलिए नासा के वैज्ञानिकों में खलबली मच गई है। दोस्तों, आखिर चंद्रयान 2 ने ऐसा क्या खोज डाला है, उससे पहले चंद्रयान 3 को लेकर क्या खबर आ रही है, जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 मिशन पूरी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसरो के मुताबिक वो फिलहाल हमसे 130,000 किलोमीटर दूर है, जबकि उसकी गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा है। जाहिर है, इतने ऊंचे और इतनी तेज से आगे बढ़ते चंद्रयान 3 को नग्न आंखों से देख पाना हमारे लिए असंभव है, लेकिन इस बीच पोलैंड के आकाश में चंद्रयान 3 को देखा गया है। दरअसल पोलिस रोटूज टेलीस्कोप ने डीप स्पेस में नजर आए भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को कैद किया है। इस टेलीस्कोप को ऑपरेट कर रही कंपनी ने चंद्रयान 3 का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें चंद्रयान 3 एक डॉट के रूप में दिख रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। जैसे जैसे चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे रोटूज टेलीस्कोप उसकी ट्रेवलिंग को डॉक्यूमेंट कर रहा है। चंद्रयान 3 ने 5वीं ऑर्बिट रेंजिंग मैनुअर प्रक्रिया को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। ट्रांस लूनर इंजेक्शन यानी मून हाईवे पर उसे 1 अगस्त को भेजा जाएगा। उसके बाद इसरो चंद्रयान 3 का इंजन एक बार फिर स्टार्ट करेगा। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच जाएगा। चांद पर पहुंचते ही चंद्रयान 3 5 बार चांद का चक्कर लगाएगा। जब चांद की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में पहुंचेगा तो लैंडिंग कराई जाएगी। इस दौरान 15 मिनट का वो पल चंद्रयान 3 के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण सॉफ्ट लैंडिंग कराने की उम्मीद है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन इसरो के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुनिया जान रही है कि भारत धीरे धीरे स्पेस में अपने कदम मजबूत कर रहा है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस मिशन में चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का स्टडी करने के लिए सेफ यानी स्पेक्ट्रोपोलमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ नामक एक पेलोड चंद्रयान 3 में लगाया गया है। इस मिशन का टारगेट है चंद्रमा का वातावरण, मिट्टी, पानी समेत कई चीजों की जानकारी जुटाना। चंद्रयान 3 मिशन सफल होने के साथ ही भारत, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने चांद पर वायुमंडल होने की पुष्टि की है। जैसा कि अभी तक बताया जा रहा था कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रयान 2 के इस खोज ने दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल चंद्रयान 2 ने चांद के आयनोस्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी होने का पता लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि चांद के आयनोस्फीयर में गैस मौजूद है। चंद्रयान 2 ने जानकारी चंद्रमा के उस साइट के बारे में दी है जो कि सूर्य की ओर था।
कि सूर्य के रेडिएशन या फिर सोलर विंड की वजह से इन न्यूट्रल पार्टिकल पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके बावजूद प्लाज्मा जनरेट हो रहा है और ये सब चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगाए गए ड्यूअल फ्रिक्वेंसी रेडियो साइंस पेलोड ने खोज की है। आयनोस्फीयर में 100 सेंटीमीटर क्यूब का प्लाज्मा डेंसिटी मौजूद है। चंद्रयान 2 ने चांद पर पानी और बर्फ का भी पता लगाया है, साथ ही साथ सोडियम होने की भी पुष्टि की है। इसके अलावा चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के एक्सोस्फीयर में आर्गन 14 गैस का पता लगाया है और ये सब काम चंद्रयान 2 के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 यानी चांस 2 डिवाइस ने किया है। एक्सोस्फीयर ये चंद्रमा के वातावरण का सबसे बाहरी क्षेत्र है जहां परमाणु और अणु शायद ही कभी एक दूसरे से टकराते हैं। इसरो को उम्मीद है कि उसका ऑब्जर्वेशन चंद्रमा के आसपास और बाहरी प्रजातियों को समझने में मदद करेगा। चंद्रमा की सतह के नीचे रेडियोजेनिक एक्टिविटी को समझने में भी ये ऑब्जर्वेशन मदद कर सकता है। इसरो के मुताबिक ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्गन 14 एक नोबल गैस है जो इसे सबसे स्थिर गैसों में से एक बनाती है और चंद्रमा की सतह की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रमुख ट्रेसर के रूप में काम करती है। इसरो के अनुसार आर्गन 14 गैस चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद पोटेशियम 14 के रेडियो एक्टिव विघटन से पैदा होती है। दोस्तों, अब चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 दोनों मिलकर धमाल मचाने वाले हैं, नासा की बैंड बजाने वाले हैं, भारत को अंतरिक्ष की दुनिया का बादशाह बनाने वाले हैं। चांद पर जो बेशकीमती खजाना मौजूद है उसका पता लगाकर भारत को मालामाल करने वाले हैं। चीन और नासा जो नहीं कर सका उसे इसरो करके दिखाएगा। चांद के डार्क साइड में जो बताया जाता है कि एलियंस का शहर बसा हुआ है उसका खुलासा चंद्रयान 3 करने वाला है। नासा को जो एलियंस ने मना किया था कि भूल से भी चांद पर कभी मत आना, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा चंद्रयान 3 करने वाला है। चांद पर ऑक्सीजन है, चांद पर जीवन है, इसका भी पता चंद्रयान 3 से लगने वाला है। हर मायने में चंद्रयान 3 इसरो को बड़ा तोहफा देने वाला है। जो लोग कहते हैं कि इसरो इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है तो बता दें उन लोगों को, शायद उन्हें पता नहीं होगा कि अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां भारत से ही अपना मिशन लॉन्च कराएंगी और इसके बदले भारत को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। भारत मालामाल हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। इससे चीन जैसे देश भारत की ताकत के आगे कांपेंगे। तो दोस्तों, हम सबको ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि चंद्रयान 3 सफल हो जाए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।